15 अगस्त का वक्त है, ऐसे में भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त हाई अलर्ट है और रात को खास तौर पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इस तरह की जो सुरक्षा फेंसिंग हिंदुस्तान के एरिया में लगी हुई है, वहाँ पर अब तेज बिजली के झटके वाला कोबरा करंट भी लगा दिया गया। कोबरा करंट का मतलब यही है कि यदि सरहद के उस पार से दुश्मन हिंदुस्तान की सीमा में आने की हिमाकत करता है तो बिजली का उसे इतनी जोरदार झटका लगता है कि शायद वह फिर नहीं उठ पाता। तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को खास तौर पर अब हाई अलर्ट के दौरान अपनाया जा रहा है। वैसे भी जिस तरह से जम्मू कश्मीर पर फैसला आया है केंद्र सरकार का, उसके बाद आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान कुछ न कुछ गड़बड़ी करने की हिमाकत कर सकता है, कुछ योजना बना सकता है, षड्यंत्र रच सकता है, और इसी षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चाक चौबंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाइट विजन कैमरा के जरिए रात को भी दुश्मन के इलाके में खास तौर पर निगाहें रखी जाती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि रात का वक्त वह वक्त होता है जब दुश्मन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए काफ़ी उत्सुक रहता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया सो रही है, ऐसे में उसका किसी भी तरह का षड्यंत्र कारगर साबित होगा, लेकिन शायद वह भूल जाता है कि सीमा पर हिफाजत करने वाले BSF के जवानों की पैनी नज़र लगातार उस पर बनी रहती है, और यह नज़र भी उस तरह से होती है कि एक भी मूवमेंट वह अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। तत्काल इसकी खबर BSF के जवानों को मिल जाती है और अलर्टनेस को और भी बढ़ा दिया जाता। तो इस तरह के सुरक्षा इंतजामों को लेकर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है इस बार के हाई अलर्ट के दौरान, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ इस तरह से यहां पर बनती जा रही है कि दुश्मन की हर छोटी से छोटी गतिविधियों पर नज़र रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और यही कारण है कि बॉर्डर के इस फेंसिंग वाले इलाके में, जो कि सरहदी इलाका माना जाता है, यहाँ से सरहद ख़त्म हो जाती है, जीरो पॉइंट आ जाता है, उस एरिया में सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चाक चौबंद कर दिया गया है। ख़ास तौर पर जो अब तक BSF के जवानों को हथियार दिए जाने थे, उन सभी हथियारों को भी अब बॉर्डर तक पहुंचा दिया गया है, क्योंकि अलर्ट का मतलब यही है कि अधिकारी यहां पर लगातार गश्त करते रहेंगे और इस गश्त के दौरान सुरक्षा के सभी इंतजामों को कई चरणों में परखा जाता है। परखना भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये वो मौका होता है जब अलर्टनेस के साथ साथ चुस्ती और फुर्ती की भी BSF के जवानों की परीक्षा होती है, जिसमें उन्हें खरा उतरना पड़ता है। BSF के जवान और अधिकारी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हर हिंदुस्तानी की उम्मीदें उनसे काफ़ी है और दुश्मन की पहली गोली का भी निशाना उन्हें ही बनना पड़ता है यदि इस तरह की परिस्थितियां आ जाती है। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा के साथ साथ इन लोगों की पहली कोशिश ये होती है कि दुश्मन की हर हरकत का वे मुँह तोड़ जवाब देने के लिए अपने आप को पूरी तरह चौकस रखें, मुस्तैद रखें। आधी रात का वक्त हो चुका है, लेकिन BSF के जवानों की यहाँ पर सरहद पर अब भी गश्त जारी है, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वो वक्त है जब दुश्मन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में सबसे ज़्यादा बेहतर मानता है, और इसी कोशिश को रोकने के लिए इनके कदम लगातार सरहद पर आगे बढ़ते जाते हैं। महिला दस्ते के भी खास तौर पर यहाँ पर रात को भी ये लोग हिफाजत में जुटे हुए हैं सरहद की, बिना किसी डर के। रात का वक्त है, महिलाओं को ऐसा कहा जाता है कि कमजोर होती है, डर नहीं लगता? नहीं सर, देश की सुरक्षा का जज्बा हाँ है, है ना। महिलाओं को सब लोग कहते हैं कमजोर है, कुछ नहीं कर सकती है, क्या कहना चाहेंगी? ये बात तो बिल्कुल गलत है। सबसे टफ तो ये माना जाता है देश रक्षा के लिए यहाँ पर अभी बॉर्डर पे खड़ी है, कर रही हैं, तो आप बोल सकते हो कि बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती है। रेगिस्तानी इलाका, किस किस तरह की परेशानी आती है रात के वक्त? जैसे हम जानवर भी देख रहे हैं यहाँ पर, आंधियाँ भी, प्रॉब्लम्स तो होती है, बट इतना नहीं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग उसी के हिसाब से दी गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, लगातार ये इनका जज्बा है, दुर्गा वाहिनी ऐसे ही इन लोगों को नाम नहीं दिया गया है, और इनके कदम भी लगातार अंधेरे के साथ, अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और इनकी कोशिश यही है कि दुश्मन अपनी किसी भी हरकत को अंजाम न दे पाए, और इसी मकसद के साथ आधी रात होने के बाद भी ये लोग सरहद पर इसी तरह से गश्त लगाकर नज़र आते हैं। हालांकि ये टोलियों में जाते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो इस रेगिस्तानी इलाकों में अंधेरों में ड्यूटी देना सरहद पर कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर और कोई इनके लिए
कुछ और भी सुरक्षा के सहायता के लिए कुछ भी नहीं होता है, यानी कि जो 5-6 लोगों की जो टोलियां होती है उसी को ये लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन के जरिए इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि दुश्मन की हर नापाक हरकत को ये लोग कड़ा जवाब दे सके। और इस दौरान यहाँ पर इस तरह से फ्लड लाइट भी लगाई गई है और इस फ्लड लाइट का मकसद यही है कि सीमा के उस पार से होने वाले हर छोटी से छोटी गतिविधियों पर पैनी निगाह रखी जा सके और इसी लाइट के साथ साथ ये लोग सरहद की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 24 के लिए।